स्काउट और मावी की कंट्रोवर्सी जो पूरी आईजीसी ने किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं करी थी, यहाँ तक कि सिंपेशंस ने भी प्रेडिक्ट नहीं करी होगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग अपने ओपिनियंस प्लीज कमेंट करना कि आप लोग को क्या लगता है स्काउट से या फिर मावी। बट अगर आप लोग एक चीज पता है, ये टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होता है, ये होता है एक कैरी को लेकर। अगर इन दोनों का गन पावर स्ट्रांग होता तो कोई किसी को कैरी ना करता, सिंपल सी बात है। तो आज वीडियो में अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपका टीममेट कोई भी आपको कैरी ना करे, अगर आप लोग कैरी हो रहे हो तो आप लोग को अपना गन पावर स्ट्रांग करना होगा। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग अपना गन पावर कैसे स्ट्रांग कर सकते हो। अब आप लोग को अपनी गन पावर मास्टर करनी है, उसके लिए आप लोग को शॉटगन चलाना आना चाहिए। एआर का जमाना चला गया, 2019 में प्रॉपर गन फाइट होती थी, बट आजकल के जमाने में शॉटगन की फाइटें होती हैं। और अगर आप लोग को अभी तक शॉटगन चलाना नहीं आता, F12 के DBS दोनों का आप लोग को लिंक ऊपर एक बटन आ रही होगी, उस पर क्लिक करके आप लोग वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोग सोचते हो क्लोज रेंज का मतलब ये है कि आप लोग को जिगल देके बुलेट डॉज करनी है और आप लोग को एक अच्छी मूवमेंट दिखानी है, अगर आपके सामने कोई भी 2019-18 का प्लेयर होगा तो आप लोग को इजी मार के चला जाएगा। तो जितने भी बंदे जिनका क्लोज रेंज वीक है वो हमेशा ये गलती करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रोटॉन और आज मैं आप लोग को कुछ ऐसी स्पोर्ट की खतरनाक प्राइवेट टेक्निक बताने वाला हूँ जिसकी वजह से ये लोग स्पोर्ट प्लेयर और ये लोग इतना आगे जा चुके हैं और इनका गन पावर हर एक चीज बढ़िया है। तो सबसे पहले सिचुएशन अवेयरनेस होनी चाहिए आपके अंदर, आप लोग को पता होना चाहिए आपके सामने कितने बंदे 1, 2, 3, 4 उनके पास कौन सी गन, जो भी गन हो उनको पेल के धर दो। देखो सबसे पहले अगर उनके पास DBS है तो बिल्कुल घुसना नहीं है, शॉर्ट गन है तो बिल्कुल घुसना नहीं है। और आप लोग को ट्राई करना है कि आप लोग को देखना है कि बंदे रस कर रहे हैं या फिर आप रस कर रहे हो। बट हमेशा याद रखना, अकेले कभी भी नहीं घुसना है, कोई भी कमरे के अंदर 4 बंदों के मुंह में जाओगे तो हमेशा मार खाओगे। तो सबसे पहले आप लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में ले चलता हूँ, वहाँ पे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसके बाद आप लोग को बिल्कुल सुपर पावर आ जानी है। अब यहाँ पे इमेजिनरी का गेम होगा, देखो सामने सोचो बंदा बैठा हुआ है कवर पे, बिल्कुल हार्ड कवर, और आपको कभी भी अपना एम जमीन के नीचे नहीं रखना है, मतलब कि नीचे नहीं रखना है, आप लोग को अपना एम बंदे के ऊपर रखना है, कवर के पीछे रखना है। और आप लोग को एक चीज जरूर ध्यान देनी है कि अगर आपके पास कोई बैकअप नहीं है तो आपको ओपन में रस बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका बंदा ओपन में आप लोग को प्रॉपर एम लेके चल रहा है, और सबसे खास चीज फ्री फायर देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आप लोग को इमेजिन करो यहाँ पे एक स्मोक हो रखा है, अब आप लोग क्या करोगे? अगर आप लोग TPP एंगल से जंप एंड शॉट देके फ्री फायर दोगे, इसमें आप लोग को एक दिक्कत महसूस होगी। अगर यहाँ पे अगर आप लोगों ने FPP स्विच कर लिया तो आप लोग को ज्यादा एंगल मिलेगा, एग्जाम्पल ये रहा। अब देखो इस गेम में साउंड सेंस और एक है टाइमिंग का बहुत ही बड़ा गेम प्ले होता है। अब देखो मेरे को साउंड आया कि नीचे बंदे हैं और मेरे को बंदे बिल्कुल आराम से दिख भी जाएंगे। अगर आप लोग मेरी जगह पे होते यहाँ पे आप लोग मारते, बट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कैंप। आप कहोगे तू कैंप क्यों कर रहा है? देखो भाई कैंप नहीं होता है, इसको थोड़ा दिमाग लगा के खेलना कहते हैं। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि बंदे को प्रॉपर ओपन में आने दो, उसके बंदे दिखने दो, कितना बंदे कैंप कर रहे हैं, हम तो कैंप कर रहे हैं पर वो कितने कैंप कर रहे हैं। अब देखो यही सेम चीज हुई, अब ये बंदा आया, इसका दूसरा भी बंदा देख रहा था मेरे को, इसको साउंड आया होगा कि मैं यहाँ पे हूँ, और मैंने जाके इसको इजीली मार दिया। मैंने प्रॉपर टाइमिंग का उपयोग किया और मेरे टीममेट को आने का उपयोग किया, मतलब कि जब तक कि आपके पास बैकअप नहीं है आपको पुश नहीं मारना है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट है आप लोग मार सकते हो, जैसे मैं घुस गया तो आप लोग मारो जाके, क्योंकि आपके हाथ में कोई तगड़ी गन होनी चाहिए। अब आप लोग को ये वाले एरिया पे आ जाना है और यहाँ पे आप लोग को थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी है, आप लोग को रेड डॉट लगाना है और यहाँ पे इजी मोड सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोग को मैप से साउंड सेंस आएगा, मतलब कि आपको मैप में देख के बंदे की लोकेशन पता लगानी कि बंदा आखिर है कहाँ पे। और ये चीज़ का बहुत ही अच्छा उपयोग मैंने इस वाली क्लिप में किया। पहले आप लोग ड्रिल्स को समझ लो, आप लोग को कैसे फॉलो करना है, मैप को देखना है, मैप में जहाँ पे निशान आएगा आप लोग को उधर देखना है, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब ये है प्रॉपर T1 की क्लिप और आप लोग देख सकते हो इसमें गेम सेंस का कितना अच्छे से उपयोग किया गया है। बस आप लोग पहले गेम प्ले देखो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। बढ़िया, एक गेरा DBS वाला। अबे प्रोटन देख के फिनिश कर सकता है क्या उसको? आ रहा है तेरे पे, आ रहा है। बढ़िया, फिनिश दे। अब यहाँ पे बंदे रश दे रहे थे, अब बंदे कहाँ से एंट्री करेंगे? खिड़की से करेंगे? मैंने यहाँ पे डैमेज दे दिया, अब आएंगे गेट से।
और यहाँ पे मैंने फ्री फायर देने के साथ दो बंदों को नॉकआउट कर दिया। बस आप लोग को इतना ध्यान रखना है कि आपकी सिचुएशन कैसी है, और आपके हाथ में शॉटगन तो होना कंपलसरी हो गया है, क्योंकि आजकल हर एक बंदा शॉटगन यूज़ कर रहा है। और कॉम्पी हो गया या फिर क्लासिक, टीडीएम हो या टूर्नामेंट, हर जगह शॉटगन के बोलबाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अभी तक कि आप लोगों ने शॉटगन को नहीं मास्टर किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी ये वाली वीडियो की, आप लोग जाके देख सकते हो।